Dear students, Assalamu Alaikum. In today's topic, we are going to discuss what a customer invoice is. Invoice is basically a legal accounting document which is provided to your customer by your company, which states all the services and goods which you are selling to that customer and the quantity and the rate. Now, invoice is one of the key document in our QuickBooks customer center. याद रहे कि invoice वो document है जिससे हमें ये पता चलता है कि हम किसके साथ business कर रहे हैं और क्या business कर रहे हैं इन हमें ये बताती है कि हमने कौन सी सर्विस कौन से गुड्स किस कीमत पे किस तारीख़ को किस कस्टमर को किन पेमेंट टर्म्स के तहत फ्राहम किए ये डिटेल लीगली भी ज़रूरी है अकाउंटिंग वाइज भी ज़रूरी है और ये हमारे तमाम फाइनेंशियल का बैकबोन है क्योंकि इन के थ्रू ही हमारे पैसे इनकम के तौर पे हमारे पास कलेक्ट होते हैं बेसिकली ये वो डॉक्यूमेंट है जो हम अपनी सर्विसेज बेचते हुए अपने कस्टमर को फरहाम करते हैं कि हमारी सर्विसेज और गुड्स के इतने पैसे हुए और इसके अवस हमें वो रिफ़ंड करता है या पैसे देता है याद रहे कि इनवॉइस किसी भी बिज़नेस के लिए की इशू या एक की फैक्टर समझी जाती है क्योंकि बिज़नेस चलते ही इस बुनियाद पे है कि आपने अपनी कोई ना कोई खिदमत या गुड्स किसी न किसी को फ्राहम किए हैं और उसके बस बिज़नेस के कानून के तहत आपको उसका मुआवजा वसूल हुआ है इनवॉइस हमारे सिस्टम में बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करती है किस तरह जब इनवॉइस क्रिएट होती है तो सबसे पहली चीज़ वो एक हमारे कस्टमर या क्लाइंट के अगेंस्ट रिसीवेबल खड़ा कर देती है जिसके लिए हमें एक बिल जनरेट करके वो देती है जो हम अपने कस्टमर को फराहम करते हैं जैसे ही हम ये इनवॉइस क्रिएट करेंगे इस रिसीवेबल के अलावा हमारे पास एक इन्वेंट्री जो हमारे पास मौजूद है उस पर भी इफेक्ट होगा अगर हमने उसे कोई गुड्स बेचे हैं तो हमारी इन्वेंट्री उतने क्वांटिटी से कम हो जाएगी और हमारे पास उस कस्टमर से एक अकाउंट्स में रिसीवेबल खड़ा हो जाएगा इसका मतलब यह है कि ये अमाउंट हमने अपने उस क्लाइंट या कस्टमर से वसूल करनी है अगर यह सर्विस और गुड्स टैक्सेबल है तो याद रहे कि फौरन ही उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली हमारी एक टैक्स लाइबिलिटी भी खड़ी हो जाएगी

सिस्टम का सिर्फ मतलब ये नहीं है कंप्यूटर पे अगर आप मैन्युअली कर रहे हैं तब भी आपको ये तमाम एस्पेक्ट कवर करना पड़ेंगे किसी भी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के दो अहम पार्ट्स होते हैं एक वो डेटा जिसमें अकाउंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन रखी जाती है जिसमें आपकी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें प्रोडक्ट या सर्विस जो आपने सेल की है उसकी प्राइस होती है और वो टैक्स जो उसके साथ नती हुआ हुआ है जो उसके साथ लगा हुआ है जो उसके साथ एसोसिएटेड है उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है और जब भी आप इनवॉइस बनाएंगे ये तमाम एस्पेक्ट टच होंगे हिट होंगे और इनके ऊपर कोई ना कोई फिगर्स आके फिट हो जाएंगी दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इसके साथ साथ ही इन बनाते के साथ साथ ही अगर ये कोई इन्वेंट्री आइटम आपने क्रिएट किया हुआ है तो आपकी इन्वेंट्री भी हिट होगी और रिड्यूस हो जाएगी कम हो जाएगी उस क्वांटिटी से जो आपने सेल कर दी सो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू क्रिएट एन इनवॉइस जब भी आप इनवॉइस बनाएंगे तो आपका अकाउंटिंग पहलू भी कवर होगा और आपका इन्वेंट्री का पहलू भी उसके साथ ही कवर होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या बिज़नेस में मुख्तलफ़ुम की बहुत सारी इन्वासेस बनाई जाती हैं और ये डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस की नौीय क्या है आपका जिस टाइप का भी बिज़नेस होगा उसकी मुताबकत से आपकी इन्वाइस बनेगी अब हमें पता होना चाहिए कि हमारी इन्वासेस किस किस टाइप की हैं ताकि हम अपने बिज़नेस के हवाले से ये चेक कर सकें कि हमने कौन सी टाइप की इन्वाइस बनानी है सबसे पहली जो एक इन्वाइस होती है वो कहलाती है कमर्शियल इन्वाइस और ये इनवॉइस ज़्यादातर जब हम कोई एक्सपोर्ट के लिए कोई चीज़ बनाते हैं या कोई एक्सपोर्ट करते हैं कोई चीज़ उसके साथ ज़रूर भेजते हैं इसमें हमारे पास जो भी आइटम या प्रोडक्ट हम भेज रहे हैं उसकी कंप्लीट डिटेल मौजूद होती है रीज़न भी कि उस डिटेल को देखते हुए मुख्तलफ मालिक उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ लागू करते हैं और आपकी शिपिंग लाइंस भी उस की नौयीत देखते हुए आपसे चार्ज करती हैं फॉरेन ट्रेड के लिए ये कंपलसरी है कि आपके पास एक कमर्शियल इन्वाइस हो दूसरी तमाम टर्म्स एंड कंडीशन उस पर मेन्शनड होती हैं और ये भी पता चलता है उस इन्वायस के साथ कि हमारे ये डेस्टिनेशन कौन सा है और ये शिप कहाँ से की जा रही ये तमाम इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर लिखी जाती है ताकि आपके बैंक्स इसे प्रोसेस कर सकें और गवर्नमेंट एजेंसीज इसके ऊपर देखते हुए जो भी ड्यूटीज़ इसके ऊपर लगनी है वो लगा सके ये डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन भी है और तमाम अथॉरिटीज़ जो के एक्सपोर्ट से रिलेटेड हैं उन तमाम के लिए कमर्शियल इनवॉइस एक की हैसियत रखती है इसी के ऊपर हमारी ट्रेड नगोसिएशन भी होती है एलसी भी खुलते हैं और एलसी रिलीज़ भी होते हैं तो हमें इसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए और ये बड़े तरीके से बननी चाहिए याद रहे कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ आइटम्स को एक सेंट्रलाइज कोडिंग स्कीम के तहत हमने इस्तेमाल किया हुआ है उसे हम कहते हैं हार्मोनाइज्ड कोडिंग स्कीम और वो आइटम आप कहीं भी दुनिया में चले जाएं उसका हार्मोनाइज कोड एक ही होगा और उसके साथ मुख्तल ममालिक में उसके साथ एफिलिएटेड टैक्स रेट मौजूद होंगे सो कमर्शियल इनवॉइस इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेडिंग विथ अदर कंट्रीज उसके बाद आती है जी यूटिलिटी इनवॉइस। आपके पास बिजली के बिल भी आते होंगे गैस के भी आते होंगे पानी के भी आते होंगे ये एक टिपिकल टाइप की इनवॉइस है जिसमें आपको तीन चीज़ें बड़ी अहमियत के साथ बताई जाती हैं एक तो ये कि आपका बिल कितना है दूसरा ये कि अगर आपने वक्त मकर्रा पे ये बिल अदा नहीं किया तो आपके ऊपर सरचार्ज या लेट पेमेंट फी कितनी होगी और तीसरी आपकी पेमेंट हिस्ट्री और यूजेज इन तीन की इंफॉर्मेशन आपको हमेशा अपनी यूटिलिटी इन वॉयस पर मिलेगी ये ज़्यादा एलेबरेट करती है ये बताती है कि आपने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए पिछले महीनों में आपने क्या इस्तेमाल किया इस महीने का बिल किया है और अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं की तो आपके ऊपर इतना सरचार्ज लगेगा इसके अलावा अगली किस्म की इन्वाइस है वो कहलाती है वैल्यू या माइलस्टोन स्टोन बेस्ड इन्वाइस ये वो इन्वाइस है जो आम तौर पे कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी अपने क्लाइंट को देती है हम मिसाल ये लेते हैं कि अगर किसी कंपनी ने कहा है कि मैं आपको ये रोड या ये बिल्डिंग बना के देती हूँ तो उसके साथ साथ वो ये बताता है कि किस किस वक्त वो आपसे कितने पैसे चार्ज करेगा एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट पहले हो चुका होता है और बेस्ड ऑन दैट कॉन्ट्रैक्ट माइल डिफाइन कर दिए गए होते हैं जिनके बुनियाद पर हम ये इन रेस करते हैं मिसाल ये है कि अगर आपके बिल्डिंग बन रही है तो आपने अपने क्लाइंट के साथ ये तय कर लिया है कि जैसे ही इस मकान की छत पड़ेगी आप इतने पैसे या इतनी रकम उससे लेंगे तो ये एक माइलस्टोन है इसी तरह अगर आप रोड बना रहे हैं तो अगर उस रोड के साथ में से चार बेस आपने डाल दिए हैं तो आप इतने पैसे क्लेम करेंगे इसे कहते हैं माइलस्टोन स्टोन बेस्ड इनवॉइस सबसे आम इनवॉइस जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने सिस्टम में वो है बेसिक इन्वास जिसमें आपका आइटम जिसमें आपकी क्वांटिटी जिसमें आपके रेट इन का नंबर और डेट मौजूद होता है ये इनवॉइस तकरीबन तमाम सिस्टम बड़े बसानी अपने पास जनरेट करते हैं और यह इनवॉइस आपको कहीं कहीं भी स्टोर पे कहीं भी ख़रीदारी करें तो आपको मिल जाती है एक और टाइप है जिसे कहते हैं हम टाइम बिलिंग इनवॉइस। ये वो इनवॉइस है जो टाइम के हिसाब से आर्ली रेट के हिसाब से बनाई जाती है ये कौन सी इनवाइस है ये कंसल्टेंट्स की इन हो सकती है ये किसी लॉयर की इन्वाइस हो सकती है ये हर वो सर्विस जो आपको आर्ली रेट के ऊपर टाइम के मुताबिक आर्ली रेट के ऊपर आपको बिल करती है, वो तमाम की तमाम टाइम बिलिंग इन्वाइस कहलाती है इसमें गाड़ी का रेंट भी हो सकता है इक्विपमेंट अगर आपने हायर किया हुआ है उसका रेट भी हो सकता है तमाम चीज़ें आर्ली लेट से फिक्स होती हैं और ही आप इनको वो करते हैं तो स्टार्ट टू फिनिश टाइम देखते हुए आर्ली डेट के ऊपर बिल बन जाता है पेंडिंग इन्वाइस वो होती है जो कि पार्शली पेड हो इसका ट्रैक रखना बहुत जरूरी है पूरी इन्वायस का अगर आपको थोड़ा हिस्सा मिला है तो आपको पता होना चाहिए कि बाकी हिस्सा भी पेंडिंग है इसको टैग करना और अपने क्लाइंट के साथ कनेक्ट रखना सबसे अहम इसकी जरूरत समझी जाती है इसके बाद रिकरिंग इन्वायस इसका मतलब ये है कि ये बार बार आपने अदा करना है ये रिटेनरशिप भी हो सकती है या आपका घर का दफ्तर का किराया भी हो सकता है और इस तरह की तमाम सर्विसेज जो कि एस एल ए बेस्ड होती हैं उनकी इन्वाइस रिकरिंग एनुअल या किसी पीरियड बेस्ड होती है जो कि बार बार एक ही अमाउंट जब तक रिवाइज ना की जाए ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहती है दो और किस्म की इन्वास होती हैं इनको हम बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स के नाम से भी जानते हैं एक कहलाती है क्रेडिट इन्वाइस जिसमें यह होता है कि हो सकता है कि हम अपने किसी वेंडर या क्लाइंट को किसी कस्म का कोई डिस्काउंट दे दें जब भी हम डिस्काउंट देंगे और हमारी मेन इन्वाइस बन गई होगी इन दैट केस हम वो जो प्राइस जो हमने उसके साथ की हुई है तय वो हम एक क्रेडिट नोट या क्रेडिट इन्वाइस के तहत उसको उसका फ़ायदा पहुंचाएंगे और ये कभी भी उस वक्त भी मनाई जा सकती है जब कभी हमारा कोई भी माल हमें रिटर्न कर दिया जाए और हमें उसके उसके पैसे वापस करना हो इसके अलावा आखिरी इन्वास जो हमें पता होनी चाहिए वो है डेबिट इन्वायस इस केस में ये होता है कि ये क्रेडिट इन्वाइस का रिवर्सल है जब भी हम अपने सप्लायर को कोई चीज़ वापस करेंगे तो हम उसके लिए डेबिट नोट या डेबिट इनवॉइस बनाएंगे ये मुख्तलफ़ टाइप की बहुत सारी इन्वासेज हैं जिनको हमें अकाउंट्स में और अपने तमाम सिस्टम्स में कवर करना होता है और इनके लिए किस तरीके से हमारा सिस्टम कोई बुक्स चलेगा वो हम आइंदा आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे